से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मिर्जापुर वेब सीरीज का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ, अमेज़न दर्ज कराएगी बयान, ये बड़ी जानकारी है। अधिवक्ता ने पुलिस के नोटिस पर पक्ष रखने की कही है बात, अमेज़न कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस से संपर्क किया है, ये बड़ी जानकारी। पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने दर्ज कराई थी FIR, बड़ी जानकारी। दरअसल मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़ी हुई, मिर्जापुर वेब सीरीज का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अमेज़न दर्ज कराएगी बयान। अब अमेज़न को बयान दर्ज कराना होगा, अधिवक्ता ने पुलिस के नोटिस पर पक्ष रखने की बात कही है। अमेज़न कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद ये कहा गया कि अमेज़न अब अपना बयान दर्ज कराएगी। पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने दरअसल FIR दर्ज कराई थी मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ। दरअसल मिर्जापुर वेब सीरीज जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती, कई ऐसी बातें जो आपत्तिजनक है, कई ऐसे जो चीजें हैं वो आपत्तिजनक पाई गई, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई थी। अमेज़न कंपनी के प्रतिनिधि ने अब पुलिस से संपर्क किया है, बताया जा रहा है कि अमेज़न अब अपना जो बयान है वो दर्ज कराएगी। तो जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई इस समय नजर आ रही हैं। अधिवक्ता ने पुलिस के नोटिस पर पक्ष रखने की बात कही है, अमेज़न कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस से संपर्क भी किया है। पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी जिन्होंने FIR दर्ज करवाई थी और अब उनकी जो कोशिशें हैं वो एक बार रंग लाती हुई फिर से नजर आ रही हैं, क्योंकि मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हुआ था, कई ऐसे आपत्तिजनक चीजें अमेज़न मिर्जापुर वेब सीरीज में है जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती है, और जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिशें यहाँ पर ऐसी वेब सीरीज के जरिए होती है, जिसके खिलाफ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने आवाज उठाई, उन्होंने FIR दर्ज कराई और अब कोशिशें जो हैं वो रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि अमेज़न जो अपना बयान है वो दर्ज कराएगी, अमेज़न के प्रतिनिधि जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया है, अधिवक्ता ने पुलिस के नोटिस पर। तमाम जानकारी के साथ आकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक करूंगी। आकाश देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब अमेज़न अपना बयान दर्ज कराएगी मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर। जो कोशिशें थी मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए वो अब रंग लाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मिर्जापुर वेब सीरीज ना तो बच्चों के साथ देखी जा सकती है, ना फैमिली के साथ देखी जा सकती है, और माहौल बिगाड़ने की जो कोशिशें हैं वो ऐसी ही वेब सीरीज के जरिए फिलहाल की जा रही हैं यूपी में। आकाश बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से पूरा ये वेब सीरीज बनाया गया और जिस तरीके से चीजों को परोसा गया, वास्तव में समाज में जो है गंदगी फैलाने का ही प्रयास किया गया। और हम लोगों ने जो मेहनत की थी, जो FIR दर्ज हुआ था, जिस तरीके से हम लोगों ने खबरें दिखाई, जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिला, उसके बाद आज जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अमेज़न जो प्लेटफॉर्म है वह जो है आके यहाँ अपनी गवाही दर्ज कराएगा, तो ये एक सामूहिक जीत की बात कह सकते हैं, हम इंडिया न्यूज की जीत की बात है। हमारे संपादक महोदय के प्रयास जो है वो रंग लाया है, लोगों की भावना को जिस तरीके से ठेस पहुंचाया गया था फिल्म वेब सीरीज बना के, लोग आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। मेरे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, उनका पहले मैं रुख करूंगी। अरविंद जी देखिए, अब FIR जो आपने दर्ज कराई थी वो जो कोशिशें हैं अब रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अमेज़न के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने संपर्क किया है पुलिस अधिकारियों से और उनका कहना है कि अब जो बयान है वो अमेज़न को दर्ज कराना होगा, तो जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। निकिता देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उसमें बयान दर्ज होना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्जापुर देहात की पुलिस मुंबई गई थी, मुंबई जाके उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, कई दिनों तक वहाँ पर वो डेरा डाले रहे, कई लोगों के घरों पर जाकर उनसे संपर्क करने का काम किया, वहाँ की पुलिस से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन जो लोग थे उन्होंने कोई सहयोग पुलिस का नहीं किया और इस पूरे मामले में वो दूसरा रास्ता अपनाते रहे। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो जिन लोगों ने इस मिर्जापुर वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है, उन लोगों ने इलाहाबाद हाई, माफ कीजिएगा, प्रयागराज हाई कोर्ट से जो है अरेस्ट ले लिया है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पुलिस के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो चाहे फरहान अख्तर हो, चाहे
बाकी जो लोग हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो इस पूरे मामले का बयान दर्ज कराएं, जिससे कोर्ट को इस बात से अवगत कराया जा सके कि जो चीजें मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाई गई हैं उसका मिर्जापुर से किस तरीके से लेना देना है, जिस कथानक की बातचीत की जा रही है, जो छवि मिर्जापुर की पेश की गई है वो बेहद आपत्तिजनक है। और मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को सिद्ध करना होगा, जिस तरीके से इस पूरे वेब सीरीज में अश्लीलता दिखाया गया है, जिस तरह से मिर्जापुर में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन किया गया है, मैं समझता हूँ कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस इंतजार कर रही है कि अगर वो बयान दर्ज नहीं कराएंगे तो दोबारा नोटिस भेजी जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अमेजन कंपनी के प्रतिनिधियों ने पुलिस से संपर्क किया है और वो इस पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहते हैं। हमें उम्मीद